मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में आज यदि सबसे ज्यादा चर्चित सीट कोई है तो वह है गोटेगांव विधानसभा सीट। गोटेगांव की फिजाओं में विदा हुए मानसून की हल्की बौछारें तो भले ही पारा कुछ लुढ़का दिया, लेकिन कांग्रेस ने यहां राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। गोटेगांव की सियासी बिसात पर मोहरे सजने के बाद कांग्रेस ने अपने घोषित प्रत्याशी शेखर चौधरी को बदलकर उनके स्थान पर एक बार फिर सिटिंग MLA NP प्रजापति को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। गोटेगांव में कांग्रेस पार्टी द्वारा कराए गए अंदरूनी सर्वे और अन्य कई कारणों से पहले शेखर चौधरी पर भरोसा जताया और अब फिर उनका टिकट बदलकर NP प्रजापति का नाम घोषित कर कांग्रेस ने सबको चौंका दिया। एक दिन पूर्व देर रात तक शेखर चौधरी की जनहितेशी राजनीति से प्रेरित कांग्रेस के जागृत हुए योद्धाओं की फौज अगले दिन की तैयारी में जुटी थी, लेकिन सुबह होते ही यह खबर मिली कि उनका टिकट काट दिया गया है। खबर सुनते ही सबके सब एकदम मौचक्के रह गए। समर्थकों में जमकर आक्रोश फैल गया। ये समर्थक सुबह से ही प्रदेश और देश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए शेखर चौधरी के पक्ष में जमकर नारेबाजी करते हुए माहौल बनाने लगे। कांग्रेस के चिराग से ये जिन गोटेगांव में कांग्रेस राजनीति में टकराव का ऐसे समय बाहर आया जब पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की राजनीति घरों में सिमट कर रह गई थी। तब तक शेखर चौधरी उनके समर्थकों द्वारा सड़कों पर आकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया गया और अब एक बार फिर कांग्रेसी राजनीति में धुंध छाई हुई है। शेखर चौधरी के प्रत्याशी घोषित होने पर सभी ने खुशी के पटाखे फोड़े थे, लेकिन अब यही समर्थक आक्रोश व्यक्त कर विरोध के पटाखे फोड़ रहे हैं। आने वाले कुछ दिन अब यही सवाल है कि आखिर गोटेगांव कांग्रेस में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जवाब भी कुछ इसी तरह से आ रहा है कि शेखर चौधरी चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव में डटे रहेंगे, योद्धा की तरह लड़ेंगे, उनके कार्यकर्ताओं का उनके साथ है। अब कुछ और कहें इससे बेहतर है कि आप शेखर चौधरी से ही सुनिए उनके क्या विचार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज की तारीख में यदि सबसे ज़्यादा चर्चित कोई सीट है तो वो है गोटेगांव क्षेत्र। गोटेगांव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने इस समय राजनीति में एक कुहासा सा छा गया है। पहले शेखर चौधरी को टिकट घोषित किया, इसके दो या तीन दिन बाद जब शेखर चौधरी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके, उन्होंने तत्काल टिकट काटकर NP प्रजापति को टिकट दे दिया। शेखर जी, यदि हम बात करते तो प्रमुख क्या वजह है कि आपका टिकट काटा गया? वजह तो मुझे नहीं मालूम क्यों काटा गया, और मैं अभी भी आश्वासन कि हमारा शीर्ष नेता पुनः विचार करेगा इस पर। क्या लगता है जब एक बार टिकट घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी प्रसन्नता का वातावरण माहौल पैदा हो गया, आपने तैयारियां भी शुरू कर दी, क्या कहें, कांग्रेस उच्च स्तरीय संगठन पर दबाव की राजनीति या क्या वजह रही प्रमुख जिससे आपको टिकट काटा गया? देखिए, हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, उनका निर्णय होता है, और शीर्ष नेतक भी अपने विचारों को सब नेताओं के सामने रखता है। पार्टियां सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पर मापदंड तय होते हैं और उम्मीदवारों को भी उस मापदंड में खरा उतरना पड़ता है। और अगर उम्मीदवार के रूप में हमें पार्टी ने घोषित किया था, अपना निर्णय हमें दिया था 4 दिन पहले, उसी आधार पर हमने कार्यालय का उद्घाटन करा के गांव-गांव से हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए, हमारा मनोबल बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया, उसी उत्साह से हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। लेकिन आज भी हमारा उत्साह, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह हमारे प्रति यहाँ पर जीवित है। शेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं का उत्साह तो विशाल है, निश्चित तौर पे होना भी चाहिए, लेकिन जब आप, चूंकि आपका टिकट काटा जा चुका है, आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं देखिए, टिकट कटने के बाद में हमारे पास में हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे सहयोगियों का, हमारे मदद करने वालों की कोई कमी नहीं है। जितने लोग पहले थे उससे ज्यादा लोग आज हैं। क्या मान के चले, यदि कांग्रेस ने अपने फैसले पर कायम रहती है, NP प्रजापति का टिकट कायम रहता है, क्या आप बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे? कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए एक एक सीट बहुत आवश्यक है। गांव में आक्रोश है,
बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता आप क्या कहना चाहेंगे? माहौल मैं एनएसयूआई से कांग्रेस से जुड़ा था। जब मैं कॉलेज में था तब एनएसयूआई के द्वारा मैं कांग्रेस से जुड़ा था। उस समय कुछ एक माहौल हुआ करता था कांग्रेस का, उसके बाद मरी हुई कांग्रेस। इस बार कांग्रेस ने शेखर चौधरी को प्रत्याशी बनाकर जो जिंदा किया था उसको फिर मुर्दों में फूकने मुर्दों के मुर्दा टाइप की बना दी गई है। शेखर चौधरी की टिकट काट के कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? अगर हमारे गोटे गांव विधानसभा से कांग्रेस को खत्म ही करना है तो पहले कैसे बता दीजिए शेखर भाई को टिकट दे के जिंदा क्यों किया मुर्दा कांग्रेस को? पूरा मुर्दा कांग्रेस को जिंदा करने के बाद फिर मुर्दा कर दिया है। ये क्या सोच रहे हैं? शेखर भाई के टिकट कटने के बाद कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद है, अस्तित्व है? जो प्रत्याशी है उसका खुद कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। मुख्य चुनाव मैदान में आएंगे यहाँ और आएंगे तो इस बार इतिहास बनेगा। जमानत जब तक होना चाहिए होती, हम सभी का ऐसा मंतव्य है और हम सब मान के चल रहे हैं ऐसा होगा। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।